वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर नॉर्वेजियन लीग का मैच हो रहा है सैर्सबॉर्ग वर्सेस एफसी ब्रन के बीच, जो कि खेला जाएगा 9:30 बजे। 10:30 बजे वाला रशियन लीग का मैच मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बाद के जो मैचेज़ हैं जे लाइक 11:45, 12:30 और 1:30 बजे, इन सब की वीडियो आपको मिलेगी एंड मॉर्निंग की तो मिलेगी। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जो। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बात करें अगर हम इस मैच की, तो सैर्सबॉर्ग एंड एफसी ब्रन में कि सैर्सबॉर्ग टीम बहुत अच्छा कर रही थी भाई। मतलब अगर आप इस साल की रैंकिंग को अगर एक साइड पे रख देते हैं, या लास्ट सीज़न की रैंकिंग को भी अगर आप एक साइड पे रख देते हैं, तो मैं आपको बताऊं, भले ही ये टीम टॉप 5 में नहीं थी, लेकिन इस टीम ने टॉप 5 से कम गेम प्ले भी नहीं दिया। एफसी ब्रन बहुत अच्छी टीम थी, टॉप 3 में दूसरे नंबर पर ये टीम रही है। तो इनका प्रेशर तो रहेगा आज इनके ऊपर, मैं वो मना नहीं कर रहा, लेकिन सैर्सबॉर्ग टीम भी अच्छी है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो इनको बीट ना सही, लेकिन एक बार दिखा सकती है कि हम भी कुछ हैं। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में देखो भाई, मेरे यहाँ पर मैं ना इतने मतलब एनालाइज़ करने के बाद मेरे को बहुत सारे प्लेयर्स मैंने ब्रन के एनालाइज़ किए, लेकिन इनकी स्ट्राइकिंग में मेरे को वो मज़ा नहीं दिखा। मतलब जैसे कैस्ट्रो, अभी एन कैस्ट्रो को पिछले मैच के अंदर जैसे इन्होंने खिलाया था, उस बंदे ने बिना एक भी गोल नहीं किया, सिर्फ चांस क्रिएट किया। ठीक है, टीम के लिए चांस क्रिएशन तो अच्छी बात है, 7 बार चांस क्रिएशन करना, लेकिन भाई हम लोग फैंटेसी खेल रहे हैं, हमें पॉइंट्स चाहिए। बट मैं कैस्ट्रो को एज अ रिस्पेक्टेड प्लेयर लूँगा, लेकिन भाई मेरे को, मैं चाहता हूँ कि ये गोल करे। एंड बी फाइन की अगर मैं बात करूँ, देखो भाई बी फाइन को अगर ये खिलाएंगे तो सैलेंट नहीं खेलेगा, अगर सैलेंट खेलेगा तो फिर मैं बी फाइन को नहीं लूँगा। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेयर सैलेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिशन टीम की अगर मैं बात करूँ, तो भाई वेंडल मिस्टर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, 12 जुलाई को 4 गोल, और ये एक सीज़न के अंदर 4 गोल नहीं, एक मैच में 4 गोल, वो भी रॉजनबर्ग को। ठीक है, उसके बाद रॉजनबर्ग को तो इसने गोल किए ही किए, और 28 जून या 12 जुलाई या उससे पहले एक महीने में इसने एक हैट्रिक और भी मारी थी। तो मतलब हेनरिक वेंडल मिस्टर इज़ द ग्रेट प्लेयर। मैं कहता हूँ एस हॉलमलैंड अभी तो बहुत पीछे चल रहा है उससे, अगर मैं कंपेयर करूँ। बाकी अगर आप हॉलमलैंड को भी लेना चाहते हैं तो आप एन कैस्ट्रो को छोड़ सकते हैं अगर आपने लेना है। उसके बाद मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ तो जोहानसन, ठीक है, जोहानसन के बाद शेर नाम रखने से प्लेयर शेर नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं नहीं भाई, मैं एंडरसन को भी नहीं लूँगा, इससे बढ़िया मेरा फेवरेट प्लेयर चुरपला अच्छा है, जो कि रेयर गोल्स एंड सम टाइम असिस्ट के लिए जाना जाता है। और कॉर्नविक एंड मायर तो मेरा फर्स्ट प्लेयर, मायर मतलब मैं कहता हूँ कि पूरी टीम बना लेना, लेकिन मायर को पहले उठाना, इतना मैं आपको कह दूँ। बाकी डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर हम ना, मैं दो प्लेयरों से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ जब मैं टीम बनाता हूँ, एक ये अपना फ्रेडरिक और एक सैरी, मतलब मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों बंदों को मैं सबसे पहले उठाऊंगा। और अगर आपने सॉल्डवेट्टी को अगर खेलता देखा, आँख बंद करके उठा लेना, ऐसा प्लेयर है, मतलब इसके बारे में दो राय सोचना ही नहीं। उसके बाद आगे एसबीजी की बात करें, एसबीजी टीम की मिडफील्डिंग अच्छी है, स्ट्राइकिंग अच्छी है, लेकिन डिफेंडिंग में ये टीम पीछे हो जाती है, जिस कारण इनके टॉप 5 में नहीं आ पाते। इसलिए ज़बरदस्ती किसी प्लेयर को नहीं लेना, अगर मन करता है तो आप एफ टैबो को ले सकते हो, बट मेरा मन तो कह रहा है कि नहीं लेना चाहिए। सो अभी अगर जे सॉल्डवेट्टी खेल रहा होता तो मैं उनकी तरफ देखता बिना, तो तब तक मैं क्रोन को सेव कर रहा हूँ। एंड गोल कीपिंग सेक्शन में एल ऑय के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरा इस मैच में स्पेशली एच वेंडल मिस्टर, और वाइस कैप्टन मायर को नहीं रखूँगा, लेकिन मैं ए सैलेंट के साथ जा रहा हूँ। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।